हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो के अंदर आपको स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मैं जो आप लोगों को बताया था एक वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को जो बताया था जो मैं कॉलेज पे कितने दूर जाती हूँ, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हम कॉलेज पे कितना दूर पर जाती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो देखे नहीं तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा फनी किया हूँ, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कोई भी ट्रेवल ब्लॉग दिखाने वाला नहीं, बल्कि ट्रेवल ब्लॉग की जैसा ही होने वाला है। तो इस ब्लॉग तो मैं कॉलेज पे जाती हूँ साइकिल से, कितना दूर जाती हूँ तो वही मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड्स भी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हाय बोल दो भाई, हाय बोल दो, ये मेरा फ्रेंड्स है। ठीक है, तो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आसामीज लैंग्वेज से बोलती है। ठीक है, अगर आप लोग का आसामीज लैंग्वेज आती है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ पर जो एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो एक जगह दिखाई दे रही है, तो गैस मैं कहना चाहता हूँ कि आसाम के अंदर विख्यात जगह में से एक जगह है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है। तो गैस यहाँ पर क्या हुआ था, शंकर देव का जन्म ग्रहण किया था। ठीक है, तो गैस मैं कहना चाहता हूँ कि शंकर देव कौन था, तो गैस मैं इस पर एक फुल वीडियो बना चुका हूँ कि शंकर देव का जन्म कहाँ पर हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ से देख सकती है। और इस वीडियो देखेंगे तो गैस आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएंगे, और गैस आप लोग को गालियाँ भी देने का मन करेंगे। गालियाँ देने का रीजन मैं कहना चाहता हूँ कि गैस इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक किया हूँ, आप लोग को क्या कहूँ, मेरा वीडियो के अंदर मैं ही गाली दिया हूँ, चार पाँच गाली दिया हूँ, तो आप लोग को देखकर बहुत ज्यादा मजा आएंगे। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो के अंदर मैं ही गाली दिया हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं देंगे। तो इस वीडियो देखने के बाद गाइस आप लोग को बहुत ज्यादा मजा भी आएंगे, और आप लोग को बहुत ज्यादा गाली भी देने को मन करेंगे। और गाइस आप लोग को उस चीज से आप लोग को सीखने को मिल जाएगा कि एक पोएम कविता लिखने वाला लेखक से हमें क्या क्या सीख सकती हूँ, क्या क्या आप लोग को जान सकती है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज्यादा सीख सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा गाड़ी वगैरह जा रही है। तो अभी फिलहाल की बात करूँ तो कॉलेज बहुत दूर है, तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि 10 से 11 किलोमीटर तो हो ही जाएंगे, इतना हो जाएंगे। ठीक है, तो गूगल पे एक बार सर्च किया था, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 10 किलोमीटर, और जहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आने में और भी 1 से 1.5 किलोमीटर लग जाती है। ठीक है, बहुत ही स्पीडली जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकती है मेरा फ्लाइट से यहाँ पर नहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकती है मेरा फ्लाइट आगे जाएगा, ये है, यहाँ पर आप लोग देख सकती है आगे नहीं जा रही। तो गाइस आप लोग मेरा फ्लाइट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। गाइस आप लोग को वही वीडियो है जो शंकर देव का जन्म था। ठीक है, तो वही वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगी। और सबसे ज्यादा मेहनत लगती है इस पहाड़ को क्रॉस करने में। सचमुच गाइस सबसे ज्यादा मेहनत लगती है इस ब्रिज को क्रॉस करने में। यहाँ पर आप लोग देख सकती है पहाड़ जैसा एक ब्रिज है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि इस ब्रिज की तरह, इतना ऊंचाई ब्रिज की तरह और भी 3-4 ब्रिज है, और इस 3-4 ब्रिज से क्रॉस करने के बाद हमारा कॉलेज से पहुंचती हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आप लोग देख सकती है, बहुत ऊंचाई है, यहाँ पर आप लोग देख सकती है जो ब्रिज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ऊंचाई है यहाँ पर आप लोग देख सकती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नजारा है, नजारा भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप लोग देख सकती है, देखने के लायक है, यहाँ पर आप लोग देख सकती है। ठीक है, तो नजारा मैं क्या ही कहूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकती है, और यहाँ पर लोग मुझे देख कर हंस रहे हैं, और यहाँ पर चाका देख रहे हैं, यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो ही मेरे लिए खुशी है। ठीक है, तो आप लोग इसी बात पे आप लोग क्या लाइक कर देना। ठीक है।
थाने ले आ चुका हूँ कॉलेज के आसपास, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर में आप लोगों को कुछ क्लिप दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग कंटिन्यू देखते जाइए। तो यहाँ पर कट्टा का रास्ता है, यहाँ पर आप लोग देख सकती है, इतना अच्छा नहीं लग रही है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूमिंग हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू देखते जाइए। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ कॉलेज के सामने। तो गाइस मैं आप लोगों को अभी मैं ताजमहल जैसा कॉलेज में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो हमारा जो कॉलेज है ताजमहल से कोई कम नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग एक से तीन तक आप लोग गिनती करिए, 1 2 3। तो गाइस अभी आप लोगों को बताया हम कहाँ पर है, जहाँ पर फर्स्ट में वीडियो स्टार्ट किया था, ठीक है, सेम यही जगह पर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि इस ब्लॉग को यहाँ पर ही मैं एंड करना चाहता हूँ। तो फाइनली कॉलेज से आ चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे पता नहीं कि आप लोगों को इस वीडियो से आप लोगों को कितना इंटरेस्ट हुआ है, कितना अच्छा लगा है, मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर सकती है, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकती है, ठीक है। और आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो देखना चाहती है, और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा फिलहाल के लिए एग्जाम चल रही है, तो इसलिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि एग्जाम के बाद में आप लोग को और भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरीके से ब्लॉग देखना चाहती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही मैं फिलहाल के लिए एंड करना चाहता हूँ। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे।